इस वेले की सब तो वड्डी ताज़ा खबर अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एक एडल्ट पोर्न स्टार नू पैसे देने के मामले दे विच मुकदमे का सामना करन दे लई न्यूयॉर्क कोर्ट पहुँच चुके हैं, जिथे एक पासे काफ़ी संख्या दे विच पुलिस बल तैनात किया गया, उत्थे ही उन्होंने समर्थक भी कोर्ट के बाहर साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए पहुंच चुके ने। साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से एक एडल्ट पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने यह इल्जाम लगाए ने कि 2016 दीयां चोणां दे दौरान उन्होंने नाल बने नजायज संबंधा बारे चुप रहने के लिए साबका राष्ट्रपति ने उन्होंने 1,30,000 डॉलर दिते सी, जिस करके न्यूयॉर्क कोर्ट के अज उन्होंने थोड़े ही चिड़ पेशी है। तो साबका राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो दूजे पासे साबका राष्ट्रपति का कहना है कि वह सरेंडर भी कर सकते हैं, जिथे एक पासे पोर्न स्टार वालों लगाए इल्जामों के करके ट्रंप दीयां मुश्किलों दे विच वाधा हो रहा, उत्थे ही उन्होंने समर्थन दे विच समर्थक भी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने वालों एक ईमेल भी जारी किया गया जो है आई विल बी अरेस्टिड टुमारो, जिसके तहत उन्होंने यह इल्जाम लगाए ने कि साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को साजिश के तहत फसाया जा रहा है, जो कि अपने आप दे विच बहुत वड्डी मंदभागी गल है। इस नाल ही राष्ट्रपति अहुदे दे लई रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस के साबका राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बढ़त बनाई सी 48% अमेरिकन की, सो इस करके उन्होंने विरुद्ध एक साजिश रची जा रही है उन्होंने समर्थकों का कहना है। दूजे पास साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस समय वकील रहे माइकल कोहेन का कहना है कि स्टॉर्मी डेनियल्स को 1,30,000 डॉलर का भुगतान साबका राष्ट्रपति के वलों किया गया सी अपना मूँह बंद रखने के लिए, जिसनों एक कानूनी फीस वजो उन्होंने दिखाया सी। हालांकि अमेरिका के कानूनों के तहत इसनों अपराध नहीं मनिया जाता, पर न्यूयॉर्क कोर्ट के इसनों अपराध के वजो गिणिया जाता है, जिस करके उन्होंने थोड़े समय के पेशी हो जा रही है। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।